हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जांगिड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, बकरीद आने वाली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो बकरीद की। एंड अगर आप भी यू नो ऐसा कुछ चाहते हैं मेकअप जो बहुत क्विकली हो जाए, क्योंकि उस दिन यानी फेस्टिवल वाले दिन इतना ज़्यादा वर्क होता है, हम अच्छे से रेडी नहीं हो पाते, हम प्रॉपर चीज़ें नहीं लगा पाते हैं, तो ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं आप। और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अगर आप कुछ शरारा वगैरह पहनना चाहते हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने कुर्ती वेयर की है एक, अगर आप इस तरीके की कुछ कुर्ती पहनते हैं बकरीद पे तो भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और बिल्कुल क्विकली हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। और आप देख सकते हो हम कितने ज़्यादा यू नो स्टाइलिश और ट्रेंडिंग और यू नो मिनिमम मेकअप के साथ अच्छे लगने वाले हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए जिसे हम जल्दी से क्रिएट कर सकें तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिएगा, अगर हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप लुक। गाइस, सबसे पहले आप अपना स्किन केयर करेंगे। स्किन केयर में सबसे पहले आप लगाएंगे यू नो मॉइस्चराइज़र, जो भी आप लगाने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लगाएंगे लिप बाम। तो मैंने पोन्स का जो मॉइस्चराइज़र जेल होती है वो लगाया था, लिप बाम लगाया है ब्लू हेवन का, 20-25 रुपीज़ का आता है ये। और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप पे प्राइमर है तो आप प्राइमर लगा सकते हैं, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अपने मेकअप को कम मतलब स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं ओलिविया की फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तो अफोर्डेबल है और दूसरा ये बहुत अच्छा स्वेट प्रूफ है फाउंडेशन, तो आप इसको ले सकते हैं। और मेरा 05 जो है वो शेड नंबर है, आप अपने अकॉर्डिंग शेड के ले सकते हैं। काफ़ी इजीली मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी कवरेज है, बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको भी यू नो बकरीद के दिन पूरे दिन यू नो काम में लगे रहते हैं एक बार मेकअप कर लिया तो आप इस तरीके की फाउंडेशन स्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं ओलिविया की, काफ़ी अच्छा कवरेज देती है। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही है, मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, ठीक है। और मैं कंसीलिंग भी इससे ही करूँगी, अगर आपको नीड है कंसीलिंग की तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको फुल कवरेज बनाया था ताकि मेरा मेकअप पूरे दिन टिका रहे। अगर आप भी अपने जो फेस्टिवल वाले दिन है अपना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, हल्का सा कंसीलिंग आप अप्लाई कर लें। और मैंने ओलिविया की फाउंडेशन स्टिक ही ली थी कंसीलिंग के लिए भी, और बिल्कुल नेचुरल लगती है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता कि हमने बहुत लगाया हुआ है। फिर हम इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे। फिर मैं ये जो शेड है, ये पीस सा शेड है, ये मेरे एग्जैक्टली सूट से मैच था और ये थोड़ा सा शिमरी था, इसको मैंने अपनी पूरी आईलिड पे लगा लिया था फिंगर की हेल्प से। आप भी देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि ये क्विकली मेकअप है तो हम इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रख सकते आई शेडो में कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग और बहुत सारे कलर पे यू नो अप्लाई करें आईज़ पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। पूरी लिड पे लगा लिया और एक ब्राउन मैट शेड से अपनी क्रीज पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो ब्लेंडिंग कर ली। फिर हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह से लाइनर लगाना चाहते हैं, विंग लगाना चाहते हैं, सिंपल से लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हो। और पेन लाइनर मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक तो एक क्विकली ड्राई होता है और बहुत जल्दी से लग जाता है, ठीक है। और अपनी वाटर लाइन के नीचे भी हमने क्या किया है, ब्राउन आई शेडो से स्मज कर लिया और अपनी जो कोलोसल काजल है वो लगा ली, क्योंकि ये सेट प्रूफ है, स्मज नहीं होती, काफ़ी टाइम तक टिकी रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट चूज करना जो पूरा दिन आपको यू नो टचअप भी ना करना पड़े और बिल्कुल आप एक बार रेडी हो जाए तो पूरा दिन आप अच्छे से मेकअप लगा रहे आपके फेस पे, ठीक है। अब कर लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे मस्कारा। तो ये भी लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है, काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अगर आप चाहते हैं और भी अच्छा तो आप मेबलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये सुगर पॉप का भी बहुत अच्छा मस्कारा है, काफ़ी अच्छे से कर्ल्स कर देता है हमारी लैशेस को। क्योंकि मैं फेक लैशेस नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम जल्दी से तैयार होते हैं तो यार फेक लैशेस नहीं लगा पाते इतनी जल्दी तो आप अपने कर्ल्स जो है वो अच्छे से कर लेंगे इसकी हेल्प से ही, ठीक है। फिर हम करने वाले हैं कॉन्टोरिंग। मैंने पाउडर कॉन्टोरिंग लिया है क्योंकि क्रीम कॉन्टोरिंग अगर करते हैं तो भी हमें पाउडर जो कॉन्टोरिंग है वो करनी पड़ती है, इसलिए मैंने सिर्फ पाउडर कॉन्टोरिंग ही किया है ताकि जल्दी से ब्लेंड हो जाए, ठीक है।
एंड उसको लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। और मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर ली है और अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया था और इयररिंग्स छोटे से पहने हैं और आप देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप लग रहा है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग एंड क्विकली रेडी होने वाले हैं और आई मेकअप भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर इस ईद आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।